गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे साइन रूल। इसके पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन का वैल्यू निकाले थे ट्रिगों में, आज साइन रूल क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी। इसमें स्मॉल ए बी सी जो है साइड ऑफ द ट्रायंगल है और ए एंगल है कैपिटल। ये रिलेशन हम लोग को किसी भी ट्रायंगल में निकालना पड़ता है। तो इसमें हम प्रूव जो करेंगे वह एक्यूट एंगल पर भी होगा, ऑब्ट्यूज पर भी होगा और राइट एंगल पर। एक ट्रायंगल पर हम प्रूव करेंगे और दो आप अपने से उसी तरह से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हम ले रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल ले लिए ए एंगल साइड ए बी सी। ए के सामने का साइड को हम लोग स्मॉल ले लेते हैं, बी के सामने को बी और सी के सामने के साइड को स्मॉल सी लेते हैं। अब क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन देते हैं कि ए से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए बी पर, ए 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर दे दी। इससे दो ट्रायंगल बन गए। अब हमको इसी ट्रायंगल से प्रूव करके दिखाना है कि ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी और इक्वल टू सी बाय साइन सी होता है। बी सी साइड को हम ए कह रहे हैं, ए सी साइड को बी कह रहे हैं और ए बी साइड को सी कह रहे हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल अब देखेंगे इसमें, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में ए बी डी में अगर हम साइन बी लेते हैं तो साइन बी इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए डी बाई क्या हो जाएगा, ए डी बाई आपको हो जाएगा ए बी। तो ए डी का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा ए बी इंटू साइन बी, और ए बी हम लोग कितना लिए हुए हैं, ए बी लिए हुए हैं सी, तो सी इंटू हो जाएगा साइन बी। उसी तरह से फ्रॉम ट्रायंगल इसको इक्वेशन बंद कर दीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी डी में देखिए अगर साइन सी हम ले रहे हैं तो साइन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी बाई हो जाएगा ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यहां हो जाएगा। तो ए डी बाई हो जाएगा ए सी, फिर इस ए डी का वैल्यू जो मिल गया वह हो गया ए सी इंटू साइन सी। अब ए सी का वैल्यू कितना है, तो ए सी का वैल्यू हम लोग बी लिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा बी साइन सी। इसको इक्वेशन टू कर दी। अब देखिए वन इक्वेशन में ए डी का वैल्यू जो है सी साइन बी है, और सेकेंड में क्या है बी साइन सी है। लेफ्ट साइड में दोनों ए डी है, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का एल एच एस वैल्यू अगर सेम है तो आर एच एस वैल्यू भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या हो जाएगा कि बी साइन सी जो होगा वह इक्वल हो जाएगा सी साइन बी के। तो अब और ये भी लिख सकते हैं कि बी बाई साइन बी इज इक्वल टू भी हो जाएगा सी बाई साइन सी। इसको इक्वेशन थर्ड कर दी। सिमिलरली ए एंगल को यहाँ ले ले और बी को यहाँ और सी को यहाँ लेते, तो सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली ए बाई साइन ए इज इक्वल टू भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं बी बाई साइन बी। जैसे ऊपर प्रूव किए उसी तरह से इसको भी प्रूव करेंगे। तो नाउ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, अब देखिए थर्ड एंड फोर्थ में कि बी बाई साइन बी इक्वल है सी बाई साइन सी का और ए बाई साइन ए इक्वल है बी बाई साइन बी का। तो ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए बाई साइन ए इक्वल टू हो जाएगा बी बाई साइन बी इज इक्वल टू बी सी बाई साइन सी। प्रूव्ड हो गया। ये हम एक्यूट एंगल में कर रही है और दो आपके लिए कर रहे हैं कि ऑब्ट्यूज और राइट एंगल पर आप इसी तरह से प्रूव करने का प्रयास कीजिएगा। इसका नोट में आता है, ये तो रेशियो में है, ये रेशियो में है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, नोट में हम लिखते हैं कि
फर्स्ट में कि ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी है, इतना इक्वल टू हम के मान लिए से कर भी, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू के साइन ए हो जाएगा, बी का वैल्यू के साइन बी हो जाएगा और सी का वैल्यू के साइन सी हो जाएगा, जहां पर के जो है कांस्टेंट है। तो इस तरह से साइन को हम साइन के एंगल में चेंज कर सकते हैं ए बी सी को। दूसरा क्या है कि ए साइन रेशियो बी रेशियो सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। यह प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल के क्वेश्चन बनाने में बहुत ही काम आएगा। अगर मान लीजिए कि किसी ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल मालूम है तो दूसरा एंगल मालूम कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल मालूम कर सकते हैं इस रेशियो से। फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल का क्वेश्चन इसे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसमें इस पर इतना ही, और इसमें दो और प्रूफ होता है ऑब्ट्यूट एंगल ट्रायंगल से और राइट एंगल ट्रायंगल से, तो उसको आप अपने से करने का प्रयास कीजिएगा।